नमस्कार, मैं श्रुति मिश्रा और आप देख रहे हैं चेतना मंच। आजकल शादियों का मौसम चल रहा है, रोज दूल्हे राजाओं को घुड़सवारी का मौका मिल रहा है, लेकिन एक शादी ऐसी भी है जिसमें सारे रीति रिवाजों को तोड़कर दुल्हन को घोड़ी चढ़ाया गया। कहाँ हुई ये शादी और क्या थी दुल्हन को घोड़ी चढ़ाने की वजह, आइए समझते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक पिता ने शादी से एक दिन पहले अपनी बेटी की घुड़चढ़ी कराई। बेटी को बग्गी में बैठाकर उसकी बारात बड़ी धूमधाम से निकाली। लड़की के पिता का कहना है कि उन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए बेटी की बारात निकाली। दरअसल मुरादाबाद के रामगंगा विहार की हिमगिरी कॉलोनी के रहने वाले राजेश शर्मा अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश महामंत्री हैं। उन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार देते हुए अपनी बेटी श्वेता भारद्वाज की शादी के मौके पर लड़कों की तरह अपनी बेटी की घुड़चढ़ी निकाली। शादी से ठीक एक दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी की बैंड बाजा और ढोल के साथ अपनी कॉलोनी से बारात निकलवाई। ये बारात भी ठीक वैसे ही निकली जैसी दूल्हों की शादी के दौरान निकलती है। लड़की की बारात देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वहीं अपनी बारात निकलता देख दुल्हन भी खुशी के चलते फूले नहीं समा रही थी। इतना ही नहीं, दुल्हन ने अपनी बारात में जमकर डांस भी किया। बारात के बारे में दुल्हन के पिता राजेश शर्मा का कहना है कि घुड़चढ़ी इसलिए कराई गई जिससे महिलाओं को समाज में उनका अधिकार मिले। उनका कहना है कि आज पूरे समाज में महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए हम सबको प्रतिबद्ध होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना मंच।